الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی اگر موت کو حکمت دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی اگر موت کو ہمت و بازو کے ذریعے سے اور طاقت کے بل بوتے پر اور جیم اور بھائی گیری کی محنت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لگتے جگر کو مرنے نہیں دیتی لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے مسلمہ فیصلہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے یوں فرمایا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو چھٹکارا ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے یوں فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے یہ فنا کا جہان ہے یہ ختم ہو جانے والی جگہ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے صرف دھوکا نہیں یوں فرمایا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے اللہ اکبر کبیرہ
10-15 मकड़ियां मिलकर बड़ी मेहनत से जाले बनाती है। घर की एक औरत झाड़ू लेती है और ऐसे फेंकती है तो 10 सेकंड में उसके सारी करी कराई मेहनत पर पानी फेर जाता है। यूं फरमाया है, इंसान तू जो भी कर रहा है याद रख, एक दिन मलकुल मौत आएंगे और जो तूने दुनिया के खातिर मेहनत की है, कोशिश की है, कुर्बानियां दी है, वो सब तेरी मेहनत यहाँ पर धरी के धरी रह जाएगी। तू खाली हाथ आया था, यहाँ से खाली हाथ जाएगा। अकेला आया था, अकेला जाएगा। जब तू दुनिया में आया था, किसने तुझे पहला गुसल दिया था नहीं पता। जब तू दुनिया से जाएगा, कौन तुझे आखिरी गुसल देगा नहीं पता। जब तू दुनिया में आया था तो किसने तुझे पहला कपड़ा खरीद कर पहनाया था नहीं पता। जब तू दुनिया से जाएगा तो कौन तुझे कफन का कपड़ा खरीद कर पहनाएगा नहीं पता। और याद रखना मेरे अजीजों, कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। जब हम दुनिया में आए थे तो किसने हमें गोद में उठाकर जोड़ी में रखा था नहीं पता। जब हम दुनिया से जाएंगे तो कौन हमें अपनी गोद में उठाकर कब्र के अंदर रखेगा नहीं पता। मेरे अजीजों, ये दुनिया फानी है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो इम्तिहान की जगह है। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत ये दारुल जजा है। दुनिया अमल की जगह और आखिरत बदले की जगह, दुनिया इम्तिहान की जगह और आखिरत फरमाया के रिजल्ट के मिलने की जगह। इसी को फरमा रहे कि ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशागार नहीं है। फिर हमें क्यों नजर नहीं आता और हम जैसी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए वैसी क्यों नहीं करते, और हम रोजाना सच्ची पक्की तौबा क्यों नहीं करते, और हम रोजाना बड़ी तेजी से अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते। ऐसी कौन सी बात हमारे सामने है, दुनिया की ऐसी कौन सी खूबसूरती हमारे सामने है। ख्वाजा आज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जहां में है हर सोई बरत के नमूने, जहां में है हर सोई बरत के नमूने, हर जगह इबरत का सामान मौजूद है। हरड़गांव को बसाने वाले बता रहे हैं कि वो दुनिया में न रहे, ये मस्जिदों को बनाने वाला एक बड़ा मजमा वो दुनिया में न रहा। कितने लोग थे जो यहाँ आते थे, सजदा करते थे, अपनी पेशानी अपने मालिक के सामने, अपने खालिक के सामने और अपने पालनहार के सामने झुकाते थे, वो आज दुनिया में न रहे। यूं फरमाया कि यहाँ कितने घर हैं कि उसके बनाने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए। जहां में है हर सोई बरत के नमून है, हमें क्यों नजर नहीं आता। यूं फरमाया, मगर तुझको अंधा किया है रंग गुण है, ये तेरे सामने ये दुनिया की रौनक, ये दुनिया की बहारें, ये दुनिया की महफिलें, ये दुनिया की मजलिसें, ये दुनिया के कुमकुमे और ये पैसे की रेल बैल और ये शानदार बंगले और ये शानदार गाड़ियां और इंटरनेट की फरावानी, इसने तुझे अल्लाह से धोखे में डाल दिया है। या अय्युहल इंसान, कुरान कहता है और कुरान शरीफ कैसी किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। सूरह बकरा शुरू हो रही है, अलिफ लाम मीम, क्या तर्जमा साकिब तू बता, मुझे नहीं पता। उलमाए किराम जरा आप बता दो, हमें नहीं पता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आप ही बता दो, मुझे नहीं पता। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब आप बता दो, वो भी कहते मुझे नहीं पता। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब आप बता दो, वो भी कहते मुझे नहीं पता। शेख मुश्तबा साहब आप ही बता दो, वो कहते हैं कि यार मुझे तो नहीं पता। मौलाना तारिक जमील साहब आप बता दो, कहते मुझे तो नहीं पता। अरे बड़े बड़े मुफस्सिरों बताओ तो सही अलिफ लाम मीम का तर्जमा, कहते नहीं पता। वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसकी मुराद तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह कहता है पहले अपनी जहालत का इकरार कर,
कि मुझे नहीं आता, अब आगे पढ़ता निकल किताब लफी, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, और अल्लाह की बातें बदलती नहीं। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, और अल्लाह के वादे हक, वअदल्लाहु हक्का वमन असदकु मिनल्लाहि क़ीला। मेरे अज़ीज़ो, अपने अल्लाह को पहचानो, अपने खालिक को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो, अपने पालनहार को पहचानो, जरा उसकी कुदरत तो देखो, उसकी ताकत तो देखो, क्या कहने उसकी कुदरत के और क्या कहने उसकी ताकत के। इतना बड़ा आसमान किसने बनाया? कहा अल्लाह ने। आसमानों का बनाने वाला कौन? फरमाया कि अल्लाह। जमीन को बिछाने वाला कौन? फरमाया अल्लाह। आप भी तो बोलो। समंदरों का निजाम चलाने वाला कौन? ये फिजाओं में परिंदों को उड़ाने वाला कौन? ये सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला कौन? खिलाने वाला कौन? अरे एक छोटे से वायरस से, एक छोटे से वायरस से जो नजर भी नहीं आता, पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिला करके बताया कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। कयामत से पहले हल्का सा कयामत का एक मंजर ला करके बताया कि देखो बादशाह कौन है? फरमाया कि अल्लाह है। वो कौन है? फरमाया वो अहकमुल हाकिमीन है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो ताजदार मदीना का रब है। आसमान उसी का है, जमीन उसी की है, ये चांद सूरज सितारे चरिंदे परिंदे दरिंदे, ये 18,000 किस्म की मखलूकात ये उसी अल्लाह ने बनाई है। आसमान से पानी वही बरसाता है, जमीन से गल्ला वही उगाता है, अंडे से बच्चे को वही निकालता है, और सारी दुनिया का जो निजाम वही चलाता है, वही रब्बुल आलमीन है, वही अहकमुल हाकिमीन है, वही ताजदार मदीना का रब है। अरे दुनिया में जब किसी को कोई चीज बनानी हो तो अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करता है, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करता है। वाह अल्लाह, आपकी कुदरत के क्या कहने हैं, आपकी ताकत के क्या कहने हैं। अल्लाह इंसान को बना रहे और एक नापाक मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मनी का तगड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मटेरियल तो कैसा है? गंदा है। और इंसान कितना शानदार है कि कुरान करीम में उसका ऐलान फरमा रहे हैं, अशरफुल मखलूकात है। वलकद करमना बनी आदम, और अल्लाह ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। चार कस्में खाने के बाद अल्लाह उसका भी ऐलान कर रहे हैं, वत्ती वज़ैतून अंजीर की कसम खा रहे हैं, जैतून की कसम खा रहे हैं, वत्तीन पहली कसम, वज़ैतून दूसरी कसम, वतूरी सीनीन तीसरी कसम, वहादल बलदिल अमीन चौथी कसम। इसके बाद कह रहे हैं कि खुलासा ये है कि हमने इंसान को बड़ी अच्छी शक्लो सूरत में और बड़े अच्छे ढांचे में बनाया है। लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीम, वो अल्लाह अपने कुरान में कहता है या अय्युहल इंसान, ए इंसान। ये उमूमी खिताब है, ये सिर्फ मुसलमानों से नहीं, चूंकि सारे ही अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां हैं, अल्लाह का खिताब हर एक से। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया, तुझे कौन सी ऐसी चीज पसंद आई कि तू मुझे भूल गया, दुनिया की कौन सी ऐसी रौनक पसंद आई, तुझे कौन सा ऐसा गुनाह पसंद आ गया कि तुझे उसमें लज्जत आई, तुझे मेरे नाम में लज्जत ना आई। मेरे अज़ीज़ो, अल्लाह के दीवाने बनो, अल्लाह को राजी करो, अपने अल्लाह को पहचानो, अपने खालिक को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो। मेरे अज़ीज़ो, पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन की फिजा बनाकर उसने बताया रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इस रिस्क के खातिर कभी भी अपने अल्लाह को नाराज न करना। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, ए इंसान तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में, उड़ा जा आसमां में या फिर लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं, जो हमारे मुकद्दर में लिखा होगा वो हर हाल में मिलकर रहेगा। ये कुछ सालों में अल्लाह ने कुछ दुनिया देखने का मौका दिया, कुछ असवार करने का मौका दिया, बड़े लोगों से मिले, छोटे लोगों से मिले, क्रिकेटरों से मिले। मेरे अजीजों, जहां जहां गए, जिसके दिल में अल्लाह की याद थी वो आबाद था, जिसके दिल में अल्लाह की याद थी वो आबाद था, और जो अल्लाह को भूल गया वो बर्बाद था।
मेरे अजीजों उस अल्लाह की तरफ आओ, वही खालिद है, वही मालिक है, वही पालनहार है। एक औरत भी अपने शोहर को पहचानती है, एक औरत भी अपने शोहर को पहचानती है, हर सुख दुख की बातें अपने शोहर से शेयर करती है। ए इंसान, अगर तू इतना भी अपने अल्लाह को पहचान लेगा तो तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। एक छोटा बच्चा भी अपने बाप को पहचानता है, एक 3 महीने का बच्चा वो रोता है, अड़ोस पड़ोस की खूबसूरत औरतें आती है, उसे गोद में लेती है, चुप कराने की कोशिश करती है, खामोश नहीं होता, उसका रोना बंद नहीं होता। और उसकी माँ जरा दूर से आती है, आवाज लगाती है, ओ मेरे बेटे। और जैसे ही माँ की आवाज सुनता है और माँ के ऊपर लपक जाता है, खामोश हो जाता है, उसके लेना शुरू कर देता है और जुबान हाल से यूं कहता है, माँ तू कहाँ चली गई थी, माँ तू कहाँ चली गई थी। मेरे अजीजों, बच्चे को क्या चाहिए? का माँ चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? तो का बाप चाहिए। बंदे को क्या चाहिए? फरमाया कि बंदे को रब चाहिए। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, और अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। अल्लाह को पाकर आज तक वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं खोया, और अल्लाह को खोकर आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं पाया। या बन आदम, ए आदम की औलाद, उतलुबनी, मेरी तलब में आ, मुझे तलाश कर, तजिदनी, ये मेरा वादा है, जरूर पाएगा। अल्लाह को तलाश करने वाला अल्लाह को पा ही लेता है। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने अल्लाह को दिल से चाहा हो और उसे अल्लाह की मोहब्बत न मिली हो, आज तक तो कोई आया नहीं, और कयामत तक कोई आएगा भी नहीं। मेरे अजीजों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगनी चाहिए, और रिश्ते के खातिर कभी भी अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते देने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए फरमाया, अपने बिजनेस में कभी भी झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, ताना ना दो, ऐप बताए बगैर माल न बेचो, अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह को हिसाब देना है। शादी में फजूल खर्ची ना करो, शादी में फजूल खर्ची ना करो। शादी कैसी हो? फरमाया कि शादी तो शादी हो, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन अयसरहु मऊना। ये आका फरमा रहे हैं कि बरकत के एतबार से सबसे बड़ा हुआ निकाह कौन सा है? हुजूर फरमाते हैं, जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें खर्चा कम हो। हमारे नबी ने कह दिया, अगर बाबरकत निकाह चाहते हैं, खर्चा कम करो। हो सकता है कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन आपकी बेटी खुश हो जाएगी, आपका बेटा खुश हो जाएगा, उसकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, दोनों मियां बीवी में 2 महीने के बाद मोहब्बत बढ़ती 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 जाएगी, फिर औलाद नेक साले आएगी। और अगर सबको खुश किया अल्लाह को नाराज करके, सबको खुश किया अल्लाह को नाराज करके, सबको खुश किया अल्लाह को नाराज करके, 2 महीने के बाद तूतू में शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी, मियां बीवी के अंदर आम तौर पे देखा गया एक तोड़ शुरू होगा। अरे अल्लाह को छोड़ के किसको हम खुश कर रहे हैं? कितने लोग कहते हैं, मौलाना साहब हम हर एक के साथ अच्छा रखते हैं, फिर भी लोग हमारे साथ अच्छा नहीं रखते, क्या बात है? मेरे अजीजों, हम अल्लाह को छोड़ करके हर एक के साथ अच्छा रखते हैं। अल्लाह को खुश रखो, अल्लाह को राजी करो। एक बात याद रखना, जो जिससे मोहब्बत करेगा, वो जो मखलूक से मोहब्बत करेगा, वो एक न एक दिन मखलूक से जुदा कर दिया जाएगा। और जो अपने अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अपने खालिक से और अपने मालिक से मोहब्बत करेगा, वो एक न एक दिन अपने अल्लाह से मिला दिया जाएगा। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो इबरत की जगह है। मेरे अजीजों, यूं फरमाया, गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार, क्या ना न होगा यहाँ बार बार, कर ले तौबा अभी भी वक्त है, कर ले तौबा अभी भी वक्त है। फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है, इंसान अब भी फुर्सत तौबा है, देर न कर, वो अभी गिरा नहीं, जो गिरा फिर समझ गया, ऊंट बंदे बांध कमर, क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है, और बड़े माफ करने वाले हैं, माफ करके खुश हो जाते हैं, माफी मांगने वालों को पसंद फरमाते हैं, और जो उसके भिखारी बन जाए, जो उसके सवाली बन जाए, उसको सवाली से बड़ा प्यार है। आका फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा,
दुआ तो इबादत का मग़्ज़ है। आका फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ तो अल इबादत है। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, आका फरमाते हैं लैस शैउन अकरम अलल्लाह मिन अद्दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर पसंदीदा कोई अमल नहीं। अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर पसंदीदा कोई अमल नहीं। अब हम अगर अल्लाह को पाना चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह का इश्क चाहते हैं और अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, तो जरा वो भी सुन लीजिए, जब तक कोई अपने आप को मिटाएगा नहीं, सच्चे दिल से अपने आप को मिटाएगा नहीं, वहां तक फना बिल्ला और बका बिल्ला के दूर से मुशर्रफ होगा नहीं। और मेरा अजीजो, अपने आप को मिटा देना, मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, मैं कौन, नापाक कतरे से पैदाइश, पेट के अंदर गंदगी। अल्लाह कई दफा बैतुल खला में ले जाकर अपनी औकात याद दिलाता है, देख तू फुला फुला, ये तो लोग तेरी तारीफ करते हैं वरना तेरे पेट में क्या भरा हुआ है वो तो देख। मेरे अजीजो, जब हमारा इंतकाल होगा, लोग हमें कब्रस्तान में ले जाकर दफन कर देंगे और मिट्टी और डालकर हाथ भी उसी जगह झाड़ लेंगे, उस वक्त मुझे और आपको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है मेरे अजीजो, अपने आप को मिटाओ, सच्चे दिल से अपने आप को कुछ ना समझो। मिटना है पाना और पाना है मिटना। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहाड़ पे चढ़ने वाला झूकता हुआ चढ़ता है, अकड़ के नहीं चढ़ता। जिस शाख पे फल हो वो शाख झुकी हुई होती है, तराजू का भारी पलड़ा झुका हुआ होता है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क्या कहने सिद्दीक अकबर के, परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल, बस परवाने को क्या चाहिए, ये जो फुद्दी उड़ती है उसको क्या चाहिए, उसको रोशनी चाहिए, तो बुलबुल को क्या चाहिए, का बुलबुल को तो फूल चाहिए, सिद्दीक अकबर को क्या चाहिए। वो शायर कहता है परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक अकबर के लिए है खुदा का रसूल। बस वो फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, तकरीबन उम्मत के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि इतना वज़नी जुमला इरशाद फरमाया कि आज तक पूरी उम्मत में इस जैसा दूसरा जुमला नहीं कहा गया, आज तक पूरी उम्मत में इस जैसा दूसरा जुमला नहीं कहा गया। क्या फरमाते हैं, पाक है वो दात, पाक है वो दात जिस तक पहुंचने के लिए आजिजी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बगैर आजिजी के आज तक कोई अल्लाह तक पहुंचा नहीं, कयामत तक कोई अल्लाह तक पहुंचेगा नहीं। अपने आप को अच्छा समझना, सामने वाले को हकीर समझना, तमाम फुकहा का मुत्तफ़का फैसला है कि हराम है। इसके होते हुए अल्लाह की मोहब्बत मिल नहीं सकती, इसके होते हुए अल्लाह की मोहब्बत मिल नहीं सकती। कितनी बड़ी बात लिखते हैं उलमाए किराम कि